मेरे दोस्तों, क्या हाल है। आज हम आपको ले आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग जगह जो कि अभी रिसेंटली ही इनॉग्रेट हुई है यहाँ दिल्ली में, और वो है भारत दर्शन पार्क। मौसम भी मस्त हो रखा है, अभी बारिश होने वाली है। कन्नी कैसा लग रहा है? मस्त मौसम जैसा। हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ, अभी आपको बताते हैं कितने पैसे अटेंगे ये लोग हमसे। 200 हटू। हाँ, 3 साल से नीचे के बच्चों का फ्री है। और चलना थोड़ा पकड़। और शाम को, क्योंकि ये लोग थोड़ी बत्तियाँ क्या गिर गया। हाँ, तो दोस्तों टिकट्स का ये सीन है कि पर पर्सन 100 रुपये फॉर एडल्ट्स, और 12 साल तक के बच्चों के लिए है 50 रुपीज। बट शाम को प्राइसेस बढ़ जाते हैं, 150 रुपये पर एडल्ट हो जाता है, 75 रुपीज बच्चों के लिए हो जाता है शाम को, क्योंकि ये लोग लाइटें वाइटें जला देते हैं मॉन्यूमेंट्स के आसपास। लाइटों का खर्चा, बिजली का खर्चा तो पता ही है, पूरा कर रहे हैं। और वीकेंड बता दो, वीकेंड का। अच्छा, वीकेंड भी है। वीकेंड पे सैटरडे संडे को भी यही रहता है, 150 फॉर एडल्ट एंड 75 फॉर किड्स सुबह से। एंट्रेंस पे ही आपको गेटवे ऑफ इंडिया मिल जाएगा, दिखने में तो मस्त लग रहा है। दोस्तों भारत दर्शन पार्क में 14 स्टेट से 22 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिकास बनाए हुए हैं। सारे 350 टन स्क्रैप मटेरियल, वेस्ट, पुराने पंखे, गाड़ियाँ, कोई भी व्हीकल्स, नट बोल्ट वगैरह, उससे बना ये सब। तो एक एक करके आपको सारे दिखाएंगे अभी। दी, ये अभी साइड में क्या है, ये बनियान ट्री। यार लिखा तो बनियान है यार, वट वृक्ष। खम्मा सा घड़ी खम्मा, जयपुर के हवा महल में आपका स्वागत है। ये जो हवा महल है पीछे, ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, और ये इसलिए बनवाया था जिससे उनके राज्य की जो लेडीज हैं वो सिटी लाइफ देख सके बिना सिटी उनको देखे। बनवाया तो दोस्तों, ये जो गोल गुंबस देख रहे हो आप, एक बहुत ही यूनिक इस्लामिक स्ट्रक्चर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको विस्पर मॉन्यूमेंट भी बोला जाता है। अगर इसमें हल्का सा भी आप कुछ विस्पर करोगे तो वो आवाज गूंजती है, एम्पलीफाई होती है। अपना कुतुब मीनार है जो कि हम असली कवर कर चुके हैं अपने पिछले व्लॉग में, वो मैं ऊपर आई कार्ड इधर को आएगा क्या? हाँ। तो ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगी, वो वाला व्लॉग भी आप देख लेना है ध्यान से। नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्तों इस पार्क की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो इन सोलर ट्रीज से पूरी होती है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ विंड एनर्जी का भी सिस्टम है, अगर वो हमें पता लगता है तो आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये है मीनाक्षी टेम्पल जो कि सिचुएटेड है मदुरई में, और ये एक द्रविडियन आर्किटेक्चर। ये सोलर रूफ है इनकी, जहाँ से ये बिजली प्रोक्योर करेंगे, मतलब एनर्जी प्रोक्योर करते हैं, मतलब सूरज से एनर्जी ले रहे हैं और खर्चा ले रहे हैं हमसे, 50 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं हमसे। भाई ये तो सोचा ही नहीं। हाँ, सूरज से एनर्जी खींच रहे हैं और बिजली का पैसा एक्स्ट्रा हमसे ले रहे हैं। वो चालू है बाबा, वो चालू। दोस्तों अब हम करेंगे चारों धामों की यात्रा। मोदी जी नमस्कार। ओमिक्रॉन का टाइम चल रहा है, कहीं हम जा नहीं सकते। आपने भारत को ही दिल्ली में एक पार्क के अंदर सिचुएट कर दिया।
थैंक यू मोदी जी। अरे शाह जी, और बेटा कैसा है, क्रिकेट कैसा खेल रहा? अच्छा वो तो पीछे बैठा है। हाँ ठीक है, इनका भी एक बी रोल शॉट लिया जाएगा, इसको भी हम रिवील करेंगे। तो दोस्तों ये जो आप सुंदर सा देख रहे हो ना, ये महाबत पैलेस है और ये अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए फेमस है। और हाँ देखो, तो ये हमारे पीछे है शांति स्तूपा, ये सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये जो अपना पार्क है ना, ये 8.5 एकड़ जमीन पे बना हुआ है और 20 करोड़ के अंदर अंदर SDMC ने बनाया है। एक थोड़ी सी अभी मेरे को बात वो लगी कि फूड कोर्ट अभी तक बना नहीं है, बट आई गेस Phase 2 में बन जाएगा और Phase 2 में 17 और रेप्लिकास बनेंगे यहाँ पे। लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे चाय नमकीन के प्रबंध रहता है ना, वो सब है, 10-20 वाली आइटम है भाई। मतलब यहाँ के टॉयलेट्स में भी आर्टिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। अभी दिखाते रहो। नमस्कार सबाई के, रानी विक्टोरिया द्वारा विक्टोरियल मेमोरियल अपना स्वागत अच्छे आसिन देखें। चल अब हिंदी में बोल। ये देखो दोस्तों, विक्टोरियल मेमोरियल है, वेस्ट बंगाल में ये सिचुएटेड है, क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में, की मेमोरी में बना गया था, बस इतना ही है। पीछे हम्पी रथ, ताजमहल आने वाला है, आइए। तो ये रहा हमारा ताजमहल, किसने बनाया? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज की। सब सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ये सारे हमारे सब्सक्राइबर्स बन गए नए नए ताजा। बहन की जो ड्रेस है वो साइकिल के रिम से बनी हुई है और इसके गले में साइकिल की चेन है और जिसके बाल है स्प्रिंग से बने हुए हैं। सुपर क्रिएटिव। मैं क्या मैडम, इतना घुमा मत करो, दिन चक्कर खा के गिर जाओगी भाई। रुक जा रुक जा, आई लव यू। बॉन बॉन खाने का सही तरीका? बट ये जो है ना, ये ऐसे खाता है बॉन बॉन, ऐसे खाना होता है, ऐसे करो। तो इसी के साथ हमारा भारत दर्शन पार्क का ब्लॉग समाप्त होता हुआ। Until next time. Namaste.
नमस्ते।